शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया और तुमको क्या खबर शायद वो पाकीजगी हासिल करता या वो समझ जाता तो तुम्हारा समझाना उसे फायदा देता। अब वो जो परवाह नहीं करता सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना संवरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं। और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से डरता भी है तो उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे, काबिले अदब वर्कों में लिखा हुआ, जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं, ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो बुलंद मर्तबा और नेकुकार हैं। इंसान मारा जाए ये कैसा नाशुक्रा है, इसे अल्लाह ने किस चीज से बनाया, नुतफे से बनाया, फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी सो उसे कब्र में पहुंचाया, फिर वो जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया। तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे, बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने जमीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बनाया। तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज आएगी उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेदियास कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज चमक रहे होंगे, खंदाओं शादा ये नेकुकार हैं। और उस रोज कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी, यही लोग होंगे इनकार करने वाले बदकिरदार। सदक अल्लाहुल अज़ीम।